हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बेसिक सर्वेइंग की जो बेसिक डेफिनेशंस हैं, बेसिक जैसे प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग और टाइप्स ऑफ सर्वेइंग वगैरह वगैरह, प्लेन सर्वे, जियोडेटिक सर्वे से रिलेटेड जो बेसिक एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं जो एग्ज़ाम में रिपीटेडली पूछे जाते हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ में हम उसको स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज़, सर्वेइंग इज़ द आर्ट ऑफ डिटरमाइनिंग द रिलेटिव पोजिशंस ऑफ पॉइंट्स ऑन अबोव और बीनीथ द सर्फेस ऑफ द अर्थ विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर बाय मेजरमेंट ऑफ, ऑप्शंस आर डिस्टेंसेस, डायरेक्शंस, एलिवेशंस। इन तीनों में से क्या हो सकते हैं? 1, 2, 3 आर रिक्वायर्ड, ओनली 1 इज रिक्वायर्ड, ओनली 2 इज रिक्वायर्ड और 3 इज रिक्वायर्ड। मतलब देखो, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि सर्वेइंग क्या है, सर्वेइंग में क्या करते हैं हम, आर्ट ऑफ डिटरमाइनिंग द रिलेटिव पोजिशन ऑफ पॉइंट्स। हम क्या करते हैं, रिलेटिव पोजिशन ऑफ पॉइंट्स को क्या करते हैं, हम डिटरमाइन करते हैं ऑन द सर्फेस ऑफ अर्थ विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर बाय। मतलब ये हम रिलेटिव पोजीशंस को डिफाइन करेंगे वो किसके ज़रिए से करेंगे, डिस्टेंसेस के ज़रिए करेंगे, डायरेक्शंस के ज़रिए से करेंगे या एलिवेशंस के ज़रिए से करेंगे, इन तीनों में से क्या आंसर रहेगा, मतलब हमसे ये पूछा गया है। तो 1, 2, 3 आर रिक्वायर्ड, मतलब इसमें से देखिए 1, 2, 3 आर रिक्वायर्ड। ये जो फर्स्ट ऑप्शन है नंबर, ये फर्स्ट ऑप्शन 1, 2, 3, 4, ये चार ऑप्शंस हमें गिवन है, इन चारों में से हमें ऑप्शंस लगाना है। तो 1, 2, 3 आर रिक्वायर्ड, मतलब डिस्टेंसेस, डायरेक्शंस एंड एलिवेशंस बोथ आर रिक्वायर्ड इन केस ऑफ सर्वेइंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द मेन प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग इज टू वर्क फ्रॉम, ऑप्शंस आर हायर लेवल टू लोअर लेवल, लोअर लेवल टू हायर लेवल, पार्ट टू द होल एंड होल टू द पार्ट। तो आपको हमेशा याद रखना है कि प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग इज टू वर्क फ्रॉम होल टू द पार्ट। हम हमेशा होल से पार्ट की तरफ आते हैं। होल मीन्स कंप्लीट, जो कुछ भी कंप्लीट एरिया है, जो कुछ भी हमारे एरिया की पेरिफेरी है, हम वहाँ से शुरू करेंगे और सेंटर की तरफ आएंगे, पार्ट की तरफ आएंगे। इसी को हम कहते हैं वर्किंग फ्रॉम होल टू द पार्ट। हम पार्ट से होल की तरफ काम नहीं करते, हम हमेशा होल से पार्ट की तरफ काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द एरर विच ऑकर्स व्हाइल कंडक्टिंग द सर्वे फ्रॉम होल टू पार्ट एंड पार्ट टू होल इज, ऑप्शंस आर सेम, इन होल टू पार्ट इट इज लोकलाइज्ड एंड इन पार्ट टू होल इट इज एक्सपांडेड, इन होल टू पार्ट इट इज एक्सपांडेड एंड इन पार्ट टू होल इट इज लोकलाइज्ड, इन बोथ द मेथड्स एरर इज लोकलाइज्ड। तो हमारा आंसर क्या रहेगा, इन होल टू पार्ट इट इज लोकलाइज्ड एंड इन पार्ट टू होल इट इज एक्सपांडेड। अभी हमने पहले क्वेश्चन में डिस्कस किया कि प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग में हम हमेशा क्या करते हैं, हम हमेशा वर्क करते हैं फ्रॉम होल टू द पार्ट, हम हमेशा होल से पार्ट की तरफ काम करते हैं। तो उसका रीज़न क्या है, वो रीज़न हमने इस क्वेश्चन में डिस्कस किया है। उसका रीज़न ये है कि जब भी हम होल से पार्ट करते हैं तो जो एरर होता है वो लोकलाइज्ड होता है, इन होल टू पार्ट द एरर इज लोकलाइज्ड। और अगर हमने उसका अपोजिट किया, क्या किया हमने एरर, हमने क्या किया, अपोजिट किया, अपोजिट मतलब पार्ट से होल की तरफ काम किया, जो प्रिंसिपल ऑफ सर्वे उसके अपोजिट काम किया, मीन्स हमने होल से पार्ट काम नहीं किया, हमने क्या किया, पार्ट से होल की तरफ काम किया, मीन्स सेंटर से पेरिफेरी की तरफ गए। तो जो कुछ भी एरर रहेगा वो क्या हो जाएगा, वो एक्सपांडेड रहेगा, वो एरर हमेशा क्या हो जाएगा, कंटिन्यू एक्सपांड होता रहेगा। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, हम हमेशा होल से पार्ट की तरफ काम करते हैं, क्योंकि होल से पार्ट की तरफ जब हम काम करते हैं तो एरर हमारा लोकलाइज्ड होता है, और अगर हम पार्ट से होल की तरफ काम करें तो एरर हमारा क्या हो जाता है, एक्सपांडेड हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ पॉइंट आर कैन बी लोकेटेड बाय द टू कंट्रोल पॉइंट्स पी एंड क्यू बाय मेजरिंग पी आर एंड क्यू आर फ्रॉम पी एंड क्यू, मेजर डिस्टेंस ऑफ आर एंड प्लॉट, ड्रॉपिंग अ परपेंडिकुलर फ्रॉम आर ऑन पी क्यू, मीटिंग द लाइन इन एस, मेजर पी एस एंड एस क्यू एंड प्लॉट, डिस्टेंस पी क्यू आर एंड एंगल अल्फा बिटवीन क्यू आर एंड क्यू पी, ओनली वन इज करेक्ट, बाय वन एंड टू बोथ, बाय वन एंड टू एंड थ्री एंड नन ऑफ देम। मतलब देखिए, प्रिंसिपल ऑफ सर्वे दो है हमारा, पहला क्या है, टू वर्क फ्रॉम होल टू द पार्ट, और दूसरा क्या है,
कि कोई भी पॉइंट हमें जब लोकेट करना है तो उसको हमें क्या करना चाहिए, कम अज कम एट लीस्ट टू इंडिपेंडेंट स्टेशन के रेफरेंस से हमें उसको डिफाइन करना पड़ता है। हमने उसको डिस्कस किया है वीडियो में इसके पहले की। तो ये जो पॉइंट, ये जो क्वेश्चन है, ये जो पहला वाला, ये जो सेकंड वाला प्रिंसिपल है उससे रिलेटेड है। देखिए मैं, हम इसको, इसका जो आंसर है बाय वन एंड टू एंड थ्री, मीन्स जो फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये तीनों है, ये तीनों करेक्ट है। इसको मैं नेक्स्ट स्लाइड में एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए पॉइंट टू बी लोकेट, पॉइंट जो हमको लोकेट करना है वो क्या है, आर है। आर पॉइंट को हमको क्या करना है, लोकेट करना है। और जो कंट्रोल पॉइंट्स है हमारे क्वेश्चन में जो गिवन है वो क्या है, पी और क्यू है। ठीक है, ये पी और ये क्यू, ये दोनों पॉइंट्स क्या हैं, कंट्रोल पॉइंट्स है। और ये आर जो पॉइंट है, इस पॉइंट को हमें क्या करना है, लोकेट करना है। तो पहला ऑप्शन जो गिवन है, फर्स्ट ऑप्शन नंबर वन, वो क्या है, मेजरिंग पी आर एंड क्यू आर फ्रॉम पी एंड क्यू, मेजर डिस्टेंस ऑफ आर एंड प्लॉट। मतलब देखो, जो पी और क्यू है, इन दोनों पॉइंट्स, मेजर पी आर एंड क्यू आर, तो P और Q, ये दोनों पॉइंट्स क्या है, कंट्रोल पॉइंट्स हैं। तो P से क्या करना है, R तक का डिस्टेंस मेजर करना है, मेजर P R एंड Q R, और Q से R तक का डिस्टेंस हमें मेजर करना है। ठीक है, एंड दैट इज मेजर डिस्टेंस ऑफ R एंड प्लॉट, मीन्स R का डिस्टेंस हमने क्या किया है, P और Q से हमने मेजर किया। तो यहाँ पर हमारे दो मेजरमेंट्स आ गए ना, यहाँ पर मिनिमम दो मेजरमेंट्स होना चाहिए। प्रिंसिपल ये है, कोई भी पॉइंट लोकेट करने के लिए एटलीस्ट दो मेजरमेंट्स आना चाहिए। तो यहाँ पर एक मेजरमेंट ये वाले डिस्टेंस का आ गया, दूसरा मेजरमेंट ये वाले डिस्टेंस का आ गया, मतलब ये पॉइंट नंबर वन क्या हो गया, करेक्ट हो गया। और जो सेकंड वाला स्टेटमेंट है हमारा, सेकंड वाला, ड्रॉपिंग ए परपेंडिकुलर फ्रॉम आर एंड पी क्यू मीटिंग द लाइन इन एस, मेजर पी एस एंड एस क्यू एंड प्लॉट। तो इसका मतलब क्या है कि देखिए, P और Q ये दोनों क्या है हमारे, कंट्रोल पॉइंट्स है। R ये पॉइंट क्या है, हमें लोकेट करना है। तो इसको किस तरह से किया कि ड्रॉपिंग ए परपेंडिकुलर फ्रॉम R, R पॉइंट से क्या किया हमने, एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया। मतलब ये PQ लाइन पे R से जो परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, यहाँ पर ये 90 डिग्री का एंगल फॉर्म होगा। ड्रॉपिंग ए परपेंडिकुलर फ्रॉम R ऑन PQ, तो ये जो परपेंडिकुलर रहेगा ये PQ लाइन पर एक पॉइंट पर मीट करेगा, ये पॉइंट कौन सा है हमारा, S पॉइंट है। S पॉइंट पर वो मीट कर गया। अब क्या करेंगे हम, मेजर पी एस, पी से लेके एस तक का डिस्टेंस मेजर कर लो, और एस क्यू, क्यू से लेके एस तक का डिस्टेंस मेजर कर लो। तो दो डिस्टेंस फिर से यहाँ पर हमारा मेजर हो गया। तो एटलीस्ट दो मेजरमेंट्स आ गए हमारे, मतलब ये वाला पॉइंट भी क्या हो गया हमारा, करेक्ट हो गया। थर्ड वाला क्या है, डिस्टेंस क्यू आर एंड एंगल अल्फा बिटवीन क्यू आर एंड क्यू पी। देखिए ये देखिए, P और Q ये दोनों हमारे कंट्रोल पॉइंट्स हैं, और ये R हमारा पॉइंट है जो लोकेट करना है। तो इसमें हमें क्या करना है, डिस्टेंस QR, Q से लेके R तक का डिस्टेंस हमें मेजर कर सकते थे, तो ये डिस्टेंस हमने मेजर कर लिया। और उसके बाद में एंगल अल्फा बिटवीन QR एंड QP, ये QR और QP इन दोनों के बीच में का जो एंगल है अल्फा, इस अल्फा को हमने मेजर कर लिया। तो यहाँ पर भी दो मेजरमेंट हो गए, एक लीनियर मेजरमेंट हो गया QR का डिस्टेंस, QR का डिस्टेंस ये लीनियर मेजरमेंट हो गया, और ये जो एंगल अल्फा ये एंगुलर मेजरमेंट हो गया। तो दो मेजरमेंट हो गए, एक लीनियर और एक एंगुलर। तो इस तरीके से ये थर्ड वाला पॉइंट भी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। मिनिमम दो मेजरमेंट आने चाहिए, आइदर दोनों लीनियर मेजरमेंट हो तो भी चलेगा, दोनों एंगुलर मेजरमेंट्स हो तो भी चलेगा, एक एंगुलर हो एक लीनियर हो तो भी चलेगा। इसका मतलब ये जो तीनों मेथड्स यहाँ पर R को लोकेट करने के लिए बयान की गई थी, एक्सप्लेन की गई थी, वो तीनों क्या है, करेक्ट है। तो इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, वन टू एंड थ्री, ये तीनों क्या है, करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ऑब्जेक्ट ऑफ सर्वे इज टू, ऑप्शंस आर प्रिपेयर अ प्लान और मैप, डिटरमाइन द रिलेटिव पोजिशन ऑफ पॉइंट्स, डिटरमाइन पोजिशन ऑफ पॉइंट्स इन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन, डिटरमाइन पोजिशन ऑफ पॉइंट्स इन अ वर्टिकल प्लेन इन लेवलिंग। हम सर्विंग करते क्यों हैं, ऑब्जेक्ट ऑफ सर्विंग क्या है। तो उसका आंसर है, ऑप्शंस गिवन है वन टू थ्री फोर्स में से, ओनली वन इज करेक्ट, ओनली वन एंड टू आर करेक्ट, वन टू थ्री एंड फोर ऑल आर करेक्ट, और डी है नन ऑफ देम आर करेक्ट। तो आंसर इसका रहेगा ऑल आर
करेक्ट, हम जो सर्वेइंग करेंगे उसके जो ऑब्जेक्ट्स रहेंगे वो रहेगा टू प्रिपेयर अ प्लान और मैप, टू डिटरमाइन द रिलेटिव पोजीशन ऑफ पॉइंट्स, टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ पॉइंट्स इन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन, टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ पॉइंट्स इन अ वर्टिकल प्लेन। और वर्टिकल प्लेन में अगर कुछ काम करते हैं तो फिर वो क्या हो जाता है, लेवलिंग हो जाता है। इसका मतलब ये सारे ऑप्शंस क्या हमारे करेक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सर्वेज विच आर कैरिड आउट टू प्रोवाइड अ नेचुरल ग्रिड ऑफ कंट्रोल फॉर प्रिपरेशन ऑफ एक्यूरेट मैप ऑफ लार्ज एरियाज आर नोन एज, ऑप्शंस आर प्लेन सर्वेज, जियोडेटिक सर्वेज, जियोग्राफिकल सर्वेज, टोपोग्राफिकल सर्वेज। तो हमारा आंसर रहेगा इसमें जियोडेटिक सर्वे। ऐसा सर्वे जो हम कैरी आउट करेंगे किसके लिए, टू प्रोवाइड अ नेचुरल ग्रिड ऑफ कंट्रोल फॉर ए प्रिपरेशन ऑफ एक्यूरेट मैप। देखिए यहाँ पर एक्यूरेट का वर्ड यूज़ किया है, एक्यूरेट अगर हम यूज़ लार्ज मैप, अगर कोई मैप हम एक्यूरेट बनाना चाहते हैं तो ऑब्वियसली हमें क्या करना पड़ेगा, उसमें जो कर्वेचर ऑफ अर्थ है उसको कंसिडर करना पड़ेगा। और दूसरा वर्ड यहाँ पर यूज़ किया है लार्ज एरिया, अगर एरिया लार्ज है तो कर्वेचर ऑफ अर्थ को हमको क्या करना पड़ेगा, कंसिडर करना पड़ेगा, उसको इग्नोर हम नहीं कर सकते। तो ऐसा सर्वे जिसमें हम कर्वेचर ऑफ अर्थ को कंसिडर करते हैं, जो लार्ज एरिया के लिए परफॉर्म करते हैं, वो सर्वे होता है हमारा जियोडेटिक सर्वे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सर्वेज विच आर कैरिड आउट टू डिपिक्ट माउंटेन्स, वाटर बॉडीज, वुड्स एंड अदर डिटेल्स। ऐसा सर्वे जिसमें हम माउंटेन्स जो पहाड़ हैं, वाटर बॉडीज मतलब जो पानी जहाँ पर जमा हुआ है, जैसे तालाब है, रिजर्वायर है, कुछ नदी है, रिवर है, या तो फिर वुड्स, वुड्स मतलब ऐसे जहाँ पर दरख्त तो बहुत ज़्यादा हैं, जंगल है जहाँ पर बहुत ज़्यादा, ऐसे एरियाज़ का अगर हम सर्वे कर रहे हैं तो वो कौन सा सर्वे रहेगा, कैडेस्ट्रल सर्वे, सिटी सर्वे, टोपोग्राफिकल सर्वे या फिर हाइड्रोग्राफिक सर्वे। तो ऐसे सर्वे को हम कहते हैं टोपोग्राफिकल सर्वे। टोपोग्राफिकल सर्वे के ज़रिए से हमें माउंटेन्स की, फॉरेस्ट की, वाटर बॉडीज़ की, मीन्स ग्राउंड की जो डिटेल्स होती है वो हमें अच्छी तरीके से समझ में आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाइड्रोग्राफिक सर्वेज डील्स विद द मैपिंग ऑफ हेवनली बॉडीज, हिल्स, लार्ज वाटर बॉडीज और कैनाल सिस्टम। हाइड्रोग्राफिक सर्वे में हम लार्ज वाटर बॉडीज़ की डिटेल को कलेक्ट करते हैं, ऐसे वाटर बॉडीज़ जो बड़े हैं, एरियाज़ में बड़े हैं, स्पेशली हम वाटर बॉडीज़ मीन्स वाटर से रिलेटेड अगर हम सर्वे कर रहे हैं, वाटर का स्टोरेज कितना है, कितने एरिया में वाटर फैला हुआ है, ये सारी की सारी डिटेल्स अगर हम कलेक्ट कर रहे हैं सर्वेइंग के ज़रिए से, तो उस सर्वे को हम कहेंगे हाइड्रोग्राफिक सर्वे। हाइड्रो देखिए, हाइड्रो ये जो वर्ड है इसमें ये हाइड्रो ये रिलेट करता है वाटर से, तो इससे भी आपको समझना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्लान इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फीचर्स ऑन लार्ज स्केल एज प्रोजेक्टेड ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन, वर्टिकल प्लेन, इन एनी प्लेन और नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर है हॉरिजॉन्टल प्लेन। प्लान में क्या करते हैं हम, जो प्लान है, प्लान इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फीचर्स। प्लान मतलब क्या, हम क्या करते हैं, जो भी एक प्लान बनाते हैं ना, जैसे आपने बिल्डिंग का भी एक प्लान देखा होगा, हर चीज़ का, हर स्ट्रक्चर का पहले क्या करना पड़ता है, हमें एक प्लान बनाना पड़ता है, नक्शा बनाना पड़ता है। तो प्लान क्या है, प्लान इज़ अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फीचर्स। फीचर्स जो कुछ भी खूबियाँ हैं, अगर हम ग्राउंड का प्लान बना रहे हैं तो ग्राउंड के फीचर्स, उसके अप डाउन्स, उसके हिल्स, उसके डिप्रेशंस, जो कोई भी उसके फीचर्स हैं वो, उसको क्या करते हैं, हम प्लॉट करने वाले हैं ऑन ए लार्ज स्केल एज प्रोजेक्टेड ऑन। और ये कहाँ पर रहेगा, प्रोजेक्ट कहाँ पर करेगा, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में, मतलब हॉरिजॉन्टल प्लेन में जो कोई भी फीचर्स हैं उनके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के नाम को ही हम क्या कहते हैं, प्लान कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैप इज ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फीचर्स ऑन स्मॉल स्केल एज प्रोजेक्टेड ऑन ए हॉरिजॉन्टल सरफेस, वर्टिकल सरफेस, एनी सरफेस, नन ऑफ दी अबव। तो इसका आंसर है हॉरिजॉन्टल सरफेस। देखिए हॉरिजॉन्टल सरफेस पे प्लान भी रहेगा हमारा, मैप भी रहेगा, दोनों में इतना कोई डिफरेंस नहीं है। नेक्स्ट इज द सर्वेज इन विच द कर्वेचर ऑफ अर्थ इज टेकन इन टू अकाउंट इज कॉल्ड एज। ऐसा सर्वे जिसमें अर्थ का जो कर्वेचर है उसको हम क्या करते हैं, कंसिडर करते हैं, उस टाइप ऑफ सर्वे को कौन सा सर्वे कहते हैं, जियोडेटिक सर्वे, प्लेन सर्वे, प्रिलिमिनरी सर्वे या हाइड्रोग्राफिक सर्वे। तो इसका आंसर है जियोडेटिक सर्वे। जियोडेटिक सर्वे वेरी एक्यूरेट सर्वे होता है, सर्वे ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट कैरी आउट करता है,
और उसमें हम जो कर्वेचर ऑफ अर्थ होता है उसको हम कंसिडर करते हैं, जिसकी वजह से हमारा सर्वेइंग वर्क एक्यूरेट होता है। नेक्स्ट इज सिस्टमेटिक एरर्स आर दोज एरर्स विच कैन नॉट बी रिकॉग्नाइज्ड और हुज कैरेक्टर इज नॉट अंडरस्टूड और हुज इफेक्ट्स आर कुमुलेटिव एंड कैन बी एलिमिनेटेड बाय अडॉप्टिंग सुइटेबल मेथड्स और नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर रहेगा हमारा थर्ड, दैट इज हुज इफेक्ट्स आर कुमुलेटिव एंड कैन बी एलिमिनेटेड बाय अडॉप्टिंग सुइटेबल मेथड। सिस्टमेटिक एरर क्या होता है कि जिसका इफेक्ट वो क्या हो, कुमुलेटिव हो, मतलब एक बार पॉजिटिव है तो एक बार नेगेटिव है, और ये क्या है, ये कुमुलेटिव है नेचर में, मतलब वो ऐड होता रहेगा, ठीक है, मतलब ये एरर क्या रहेगा सिस्टम में, ऐड होता रहेगा सिस्टमेटिक एरर, और हम इसको एलिमिनेट कर सकते हैं, हम इसको हम ख़त्म कर सकते हैं बाय अडॉप्टिंग सुइटेबल मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी इज अप्लाइड टू एक्सीडेंटल एरर्स ओनली, कुमुलेटिव एरर्स ओनली, बोथ एक्सीडेंटल एंड कुमुलेटिव एंड नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर है एक्सीडेंटल एरर्स ओनली। थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी ये एक्सीडेंटल एरर्स के लिए ही एप्लीकेबल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एरर ड्यू टू बैड रेंजिंग इज, अगर हमने रेंजिंग क्या करी, गलत कर दी, तो उसकी वजह से क्या एरर होगा, वो एरर कैसे नेचर में रहेगा, कुमुलेटिव पॉजिटिव, कुमुलेटिव नेगेटिव, कॉम्पनसेटिंग, कुमुलेटिव पॉजिटिव और नेगेटिव। तो इसका आंसर है कुमुलेटिव पॉजिटिव। अगर हमने रेंजिंग करने में कुछ गलती कर दी है, कुछ एरर हमारा कॉज हो गया है, तो उसकी वजह से जो एरर रहेगा वो कुमुलेटिव पॉजिटिव इस नेचर में रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मिस्टेक्स आर एरर्स विच अराइज फ्रॉम इनअटेंशन, केयरलेसनेस, पुअर जजमेंट एंड कन्फ्यूजन। देखिए मिस्टेक और एरर में फ़र्क है, देर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन मिस्टेक्स एंड एरर्स। तो मिस्टेक्स आर एरर्स, मिस्टेक किस वजह से होती है, मिस्टेक ये कौन सी गलती है, विच अराइज फ्रॉम इनअटेंशन, केयरलेसनेस, पुअर जजमेंट या कन्फ्यूजन, इनमें से कौन से करेक्ट है। तो इसका आंसर है हमारा ऑल आर करेक्ट। अगर हमने इन अटेंशन किया, केयरलेसनेस किया, मतलब हमने ध्यान से कुछ काम नहीं किया, जजमेंट में हमसे कुछ गलती हो गई, या तो फिर कुछ कन्फ्यूजन हो गया, पॉइंट ए ये है या बी है, तो ये अपनी जो गलती है, अपनी वजह से, इन अटेंशन की वजह से, केयरलेसनेस की वजह से, इसकी वजह से जो कुछ भी एरर होगा उसको हम क्या कहेंगे, मिस्टेक कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी मिस्टेक और एरर में क्या डिफरेंस है ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो देखिए मैं आपको समझाता हूँ, मिस्टेक्स आर कॉज्ड बाय द मिसअंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रॉब्लम, हमारे समझने में गलती की वजह से जो कुछ भी हमने एरर कॉज हुआ है उसको हम कहेंगे मिस्टेक। केयरलेसनेस की वजह से, या तो फिर हमने कुछ ध्यान नहीं दिया, खुद से कुछ ध्यान नहीं दिया, या तो फिर कुछ पुअर जजमेंट हो गया, तो वो उसको हम क्या कहेंगे, मिस्टेक कहेंगे। दिस कैन बी करेक्टेड ओनली इफ़ डिस्कवर्ड, और ये कब करेक्ट कर सकते हैं हम, तभी कर सकते हैं जब हमें इसका एहसास हो कि यार मुझसे समझने में गलती हो गया, अरे इससे मुझसे तो ये कन्फ्यूजन हो गया, तो ये जब हमें पता चलेगा उसके बाद में ही हम इसको करेक्ट कर सकते हैं, किसको, मिस्टेक को। और मिस्टेक किस वजह से होगी, मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से होगी, केयरलेसनेस की वजह से होगी, पुअर जजमेंट की वजह से होगी, कुछ कन्फ्यूजन्स की वजह से होगी, ठीक है। द बेस्ट वे इज़ टू कंपेयर सेवरल मेजरमेंट्स ऑफ द सेम क्वांटिटी एंड डू अवे विद द ऑड मेजरमेंट विच डज नॉट फॉलो एनी लॉ। तो इसको फाइंड करने का, मिस्टेक फाइंड करने का तरीका क्या है कि हम बार बार मेजरमेंट्स लें। जैसे मान लीजिए हमने कोई दो पॉइंट के बीच में का डिस्टेंस मेजर किया, तो पहली बार में डिस्टेंस आता है 10, हम उसको बार बार मेजर करते हैं, मान लो हमें मिस्टेक अगर कोई हुई है या नहीं हुई है हमें फाइंड करना है, तो उसके लिए हमें क्या करेंगे, हम उस पॉइंट्स को, उस मेजरमेंट्स को हम क्या करेंगे, बार बार मेजर करेंगे। तो पहले हमने मेजर किया, मान लीजिए वहाँ पर हमसे मिस्टेक हुआ था, हमको पता नहीं, हमने मेजर किया वो आया 10, ठीक है, हम दोबारा उसको मेजर किए, फिर आया वो 15, तो क्या होगा, हमें डाउट आएगा, अरे कुछ गलती तो नहीं हो गया, हम दोबारा से और मेजर किए, फिर से आया 15, और दोबारा मेजर किए, फिर से आया 15, तो तब हमें एहसास होगा कि हाँ पहली बार मेजर करने में हमसे कुछ मिस्टेक हो गया, कुछ गलती हो गया, कुछ केयरलेसनेस हो गया, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया। तो मिस्टेक को कम करने का, मिस्टेक को एलिमिनेट करने का तरीका ये है कि बार बार मेजरमेंट्स लेना, सेवरल मेजरमेंट्स लेना, ठीक है।
ऑन द अदर हैंड एरर, अब एरर किसको कहते हैं हम उसको वो समझेंगे, मिस्टेक समझ में आ गई। अब एरर, एरर इज डिफाइंड एज द डिफरेंस ऑफ द मेजर्ड एंड ट्रू वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी। देखिए मेजर्ड वैल्यू एंड ट्रू वैल्यू, इन दोनों का जो डिफरेंस है उसको हम कहते हैं एरर। फॉर एग्जाम्पल आपने कोई दो पॉइंट के बीच में का डिस्टेंस मेजर किया, अब ये डिस्टेंस आपको मेजर करने में आ रहा है 10 मीटर। अब आपने क्या किया, एकदम जो एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट था, जो एक्यूरेट टेप था, ट्रू टेप था, एकदम वेरी एक्यूरेट, उसको ले जाकर आपने साइड पे दोबारा से उसी डिस्टेंस को मेजर किया और वो डिस्टेंस आपका आ रहा है 11 मीटर। अभी आपसे कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं हुई, कोई केयरलेसनेस पना नहीं हुआ है, आप दोबारा से उसको जब ट्रू डिस्टेंस मेजर करते हो तो वो आता है 11 और पहले कितना आया था 10। तो ये जो डिफरेंस है 11 माइनस 10, मतलब ये 1 मीटर का जो डिफरेंस है, इसको हम क्या कहेंगे, एरर कहेंगे। ठीक है, द डिस्टिंक्शन अराइजेस फ्रॉम द फैक्ट दैट मिस्टेक्स कैन बी अवॉइडेड बाई बींग केयरफुल। मिस्टेक को हम क्या कर सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं केयरफुल रह के। वेयर एज एरर्स रिजल्ट फ्रॉम सोर्सेस विच कैन बी मिनिमाइज बट नॉट अवॉइडेड। हम मिस्टेक्स को अवॉइड कर सकते हैं केयरफुल रह के, बट एरर को हम मिनिमाइज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एरर ये इंस्ट्रूमेंटल एरर की वजह से हो सकता है, डिफरेंट सोर्सेस की वजह से ये एरर वहाँ पर प्रोड्यूस हो रहा है। हम उसको कम कर सकते हैं लेकिन हम उसको ज़ीरो नहीं कर सकते हैं। तो ये बेसिक डिफरेंस है एरर और मिस्टेक में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डिग्री ऑफ प्रेसिशन रिक्वायर्ड इन सर्वे वर्क मेनली डिपेंड्स अपॉन द पर्पज ऑफ सर्वे, एरिया टू बी सर्वेड, सोर्सेस ऑफ एरर एंड नेचर ऑफ द फील्ड। डिग्री ऑफ प्रेसिशन मतलब कितनी क्वालिटी का, कितना एक्यूरेट सर्वे हमें करना है, ये किस बात के ऊपर डिपेंड करता है, तो इसका आंसर है पर्पज ऑफ सर्वे। हमारा पर्पज क्या है सर्वे करने का, जो कोई भी पर्पज है उस सर्वे के रिलेटेड हमारा डिग्री ऑफ प्रेसिशन रहेगा। डिग्री ऑफ प्रेसिशन मतलब एक्यूरेसी, कितना एक्यूरेट हमें करना है सर्वे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इट इज़ कन्वीनियंट टू रिकॉर्ड द फील्ड नोट्स फॉर ए क्लोज ट्रैवर्स इन द फील्ड बुक फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, फ्रॉम टॉप टू डाउन, फ्रॉम बॉटम टू टॉप। जो फील्ड बुक रहेगी उसमें हम जो कोई भी रिकॉर्ड्स करेंगे तो वो कैसे करते हैं, वो हम करते हैं हम फ्रॉम टॉप टू डाउन, ऊपर से नीचे की तरफ हम हमेशा रिकॉर्ड करते हैं। नेक्स्ट इज द स्मॉलेस्ट लेंथ दैट कैन बी ड्रॉन ऑन ए मैप। मैप के ऊपर हम जो स्मॉलेस्ट लेंथ ड्रॉन कर सकते हैं फॉलोइंग ऑप्शंस में से वो क्या है, 0.2 mm, 0.5 mm, 10 mm या 15 mm। तो ऑब्वियसली जो सबसे स्मॉल रहेगा वही लेंथ हम प्लॉट कर सकते हैं, दैट इज 0.2 mm। थैंक यू। इस वीडियो में हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो कि हमें हमेशा पता होना चाहिए, उसको हम डिटेल में डिस्कस किया है। आई होप दिस इज़ यूजफुल फॉर यू। थैंक यू।